नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। राहुल गांधी यानी देश के नेता प्रतिपक्ष। बीते दिनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन और संसद में राहुल गांधी के भाषणों की बदौलत लोग उन्हें परिपक्व नेता की श्रेणी में गिनने लगे थे, लेकिन राहुल ने फिर एक बार वही गलती कर दी जिससे लेकर लोग अक्सर उन्हें घेरते हैं। दरअसल इस बार उन्होंने भारतीय सेना को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके कारण देश भर में बवाल मच गया और भारतीय सेना को आगे आकर राहुल गांधी के बयान को पूरी तरीके से खारिज करना पड़ा। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सेना से पंगा लेना उन्हें महंगा पड़ गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। भारतीय सेना हमारे देश की आन बान और शान, जिसकी बदौलत हम 24 घंटे भारत की सरजमी पर खुली हवा में चैन की सांस लेते हैं। जब उन्हीं सेना पर सियासतदान अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई सवाल खड़े करते हैं तो देश की सेना को धक्का लगता है, उनका मनोबल डगमगाने लगता है। बीते दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल जब से हमारे देश की सरकार के द्वारा भारतीय सेना के लिए अग्निवीर योजना लाई गई है, तभी से अक्सर इसे लेकर बवाल होता आया है। देश का एक बड़ा तबका है जो सरकार के अग्निवीर स्कीम को मानने के लिए तैयार नहीं है। युवा भी इस योजना से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उन्हें इस योजना का हिस्सा बनना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का कहना है कि इस योजना से भविष्य बनेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं देश का विपक्ष भी इसे लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करता है और इस कड़ी में सबसे आगे नजर आते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो अग्निवीर पर सरकार पर हमलावर रहते हैं। हाल के दिनों में भी राहुल एक अलग रंग में नजर आए। 2024 में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन से राहुल उत्साहित दिख रहे हैं और संसद में उनके भाषणों में भी आक्रामकता नजर आई। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष को भी अपना बचाव करना पड़ा, लेकिन फिर राहुल ने कुछ ऐसा बोल दिया कि देश भर में बवाल हो गया। राहुल की छवि पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल पूरे देश में इन दिनों 23 वर्षीय अग्निवीर अजय सिंह की शहादत को लेकर चर्चा हो रही है। इसका कारण है राहुल गांधी। कुछ दिनों पहले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की संसद और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि अग्निवीर अजय कुमार सिंह के परिवार को भारतीय सेना की ओर से मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर अजय सिंह के पिता के जिस बयान का हवाला दिया था वो झूठा निकला और भारतीय सेना को सामने आकर इस पर जवाब देना पड़ा। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया है। भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके आगे भारतीय सेना ने कहा कि अग्निवीर योजना के प्रावधानों के मुताबिक लगभग 67 लाख रुपए की सहायता राशि और अन्य लाभ भी अटका हुआ है, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद ही अग्निवीर अजय कुमार सिंह के परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके तहत अजय कुमार के परिवार को कुल 1,65,00,000 रुपए की राशि मिल जाएगी। सेना का यह स्पष्टीकरण कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो संदेश के ठीक 2 घंटे के भीतर आ गया, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हालांकि राहुल गांधी के इस झूठे दावे का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में उसी वक्त खंडन कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि अग्निवीरों के स्वजनों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता है। लेकिन रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद राहुल गांधी की सियासी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और वो अपने झूठ पर अड़े रहे। फिर सेना को यह साफ करना पड़ा कि उनके परिवार वालों के बैंक खाते में इसी वर्ष जनवरी में 48 लाख और फरवरी में 50 लाख रुपए जमा कर दिए गए थे। आपको बता दें कि राहुल अग्निवीर अजय कुमार के पिता के जिस वीडियो का हवाला दे रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे थे, वो वीडियो हाल का नहीं बल्कि काफी पुराना है, वो भी मुआवजा मिलने से पहले का, यानी जनवरी से भी पुराना। पहली बार ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी वो कई मौके पर भारतीय सेना को लेकर जो बयान दे चुके हैं वो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के बराबर है। आपको याद होगा गलवान झड़प के बाद जब राहुल ने कहा था कि भारतीय सेना चीन की सेना से पिट गई,
उसके अलावा राहुल कई बार ये दावा करते नजर आए कि भारतीय सरजमी पर चीन ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने राहुल के बयानों और दावों को पूरी तरह खारिज किया, लेकिन राहुल नहीं माने और सेना को सरकार से जोड़कर बयान देते रहे और फिर एक बार राहुल का बयान झूठा साबित हुआ। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने राफेल विमान की खरीद पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके लिए उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने सबक लेने के बजाय हमेशा अपनी निजी स्वार्थ को ध्यान में रखा। वहीं इस मामले को लेकर सियासी पंडितों का भी मानना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सेना को आगे आकर ये स्पष्ट करना पड़ा कि उनके इस दावे में कोई हकीकत नहीं है। देश के लिए बलिदानी अग्निवीर अजय कुमार सिंह के स्वजनों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया है, ये गलत है। होना तो ये चाहिए था कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद इस मामले पर राहुल गांधी कुछ कहने से पहले सच्चाई का पता कर लेते, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह ऐसा करना जरूरी नहीं समझा और बयानबाजी करते रहे। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भले ही बन गए हों, लेकिन वो पद की अहमियत को समझने के लिए तैयार नहीं है। देश को वो जानबूझकर गुमराह करने और साथ ही अग्निवीरों और उनके परिवारों का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसी कोई पहल होती है तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता ये दुष्प्रचार करते हुए इसे लोकतंत्र और बोलने की आजादी से जोड़ देंगे। दोस्तों, अग्निवीर योजना में संशोधन और परिवर्तन की मांग समझ आती है और हमारा भी मानना है कि ये मांग जायज है, क्योंकि देश के युवा इस योजना से खुश नहीं है। इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विचार करने की बात कर चुके हैं, लेकिन राहुल अपने सियासत को अपने हिसाब से चलाते हैं। अब सवाल है कि राहुल ऐसा क्यों करते हैं? तो सियासी पंडितों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राहुल अग्निवीर के सहारे इन प्रदेश में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रणनीति सही है? क्योंकि योजना पर सवाल उठाना तो जायज है, लेकिन भारतीय सेना पर नहीं, क्योंकि ये भारतीय सेना ही है जिनकी बदौलत हम, आप और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस देश में अपना जीवन बिना किसी डर और भय के गुजारते हैं। इसलिए अगली बार से ऐसा बयान देने से पहले राहुल गांधी को जरूर सोचना पड़ेगा, ताकि सामने आकर भारतीय सेना को राहुल गांधी के झूठ पर सच्चाई का आईना दिखाना ना पड़े और लोग इसे राहुल का सेल्फ गोल ना कह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।